नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकरणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सेप्टेम्बर मंथ की गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और मैं यही बोलूँगा, भूल कर भी इन दो शेयर को भूल कर ही मत बेचना, ठीक है। बेस्ट शेयर फॉर सेप्टेम्बर 2022। हाँ दोस्तों, ये दो शेयर बेस्ट शेयर्स है सेप्टेम्बर 2022 के लिए, जो आपको 5 से 10% रिटर्न देखे जा सके। इसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम अपने ग्रुप्स के माध्यम से बतलाया और एक वीडियो के माध्यम से भी आपको अपडेट किया था। और दिवाली तक भी आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये जो कंपनीज है ना, दिवाली में इनकी बहुत डिमांड रहती है। एक है पेंटिंग स्टॉक, एक है कपड़ों का स्टॉक। तो आप समझ होता है गारमेंट्स और आपका पेंटिंग, इन दोनों की कितना डिमांड रहती है दिवाली सीजन में, मतलब आपके त्यौहार सीजन में। तो मैं यही बोलूँगा बेस्ट शेयर्स को सेप्टेम्बर छोड़ो, अक्टूबर के लिए भी ये सबसे अच्छे शेयर्स हैं, ठीक है। मैंने भी उस स्टॉक पर कुछ पैसा डाला है जितना मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। और कॉपी मत करना, ठीक है। एग्जिट कब करना है, स्टॉप लॉस कब होगा वो बता दूंगा टेलीग्राम में, ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। मेरा जो प्राइस है वो बता देता हूँ आपको, मेरा क्या प्राइस है, तो उससे आपको थोड़ा बहुत वो मिल जाएगा हिंट कि यार इन्होंने बाय किया तो शायद हम भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। समझो कि स्टॉक दिया क्या, पहले वो आपको बतलाऊंगा चार्ट में, राइट। क्योंकि पीछे कुछ सेटअप्स होते हैं जिसको आपको समझना पड़ता है। अगर आप समझोगे तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड सम मल्टीबैगर स्टॉक्स बोल सकते हो, या फिर शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए स्टॉक्स बोल सकते हो, ठीक है। लाइक करना अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगता है, ठीक है। तो बजर पेंट हमारा फर्स्ट स्टॉक होने वाला है जिसको आप 675 के प्राइस में एक्युमुलेट कर सकते हो। एंड छोटा सा आपको स्टॉप लॉस लगाना है मात्र 650 रुपये का, मात्र 25 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। यू कैन वेट फॉर अ टारगेट ऑफ 5 to 10%। मुझे लगता है इस वक्त अपना जो 700 का मार्क है उसको रिटेस्ट कर सकता है, तोड़ेगा भी बल्कि, ठीक है। तो 720-740 के आसपास के आपके इमीडिएट टारगेट रहने चाहिए। और मैं बात क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, पेंटिंग का स्टॉक है, आपको पता है दिवाली नज़दीक है, तो डेफिनेटली रंग पोतन आपके आसपास के मोहल्ले में स्टार्ट हो चुका होगा। नहीं हुआ तो जाकर देखो, आपको दिख जाएगा कि कितनी डिमांड है पेंट्स की। एशियन पेंट नंबर 1 आई नो, लेकिन भैया थोड़ा बहुत अगर नीचे जाएंगे ना, लो रेंज में नहीं बोल सकते आप, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस में जाओगे तो बजर पेंट एक दूसरा ऑप्शन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बजर पेंट को नज़रों में रखिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर 31 दिन के लिए सपोर्ट उठाई गई है, 4 लाख शेयर्स लोग घर लेके गए, ठीक है भाई। तो आप आसपास देखो कि क्या हो रहा है, जो आसपास हो रहा है उसके शेयर्स बाय कर लो, समझ जाएगा आपके इसकी डिमांड है, ठीक है। अभी आपको आसपास दिखेगा पेंटिंग, हर 10 में से 2 घर पेंटिंग डेफिनेटली करा रहे हैं, तो समझ जाओ कि पेंटिंग के स्टॉक्स जो है ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है। नंबर 2 जो स्टॉक है आपका, आपका है रेमंड कपड़ा। अब आपको दिवाली नज़दीक है तो कपड़े, तो लोग डेफिनेटली कपड़े बाय करेंगे, तब कपड़े बाय करेंगे तो इसके कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने की संकेत हमें नजर आते हैं, ठीक है। तो रेमंड स्टॉक को हमने जो मैं रखी, अब ये स्टॉक सेलेक्ट क्यों गया वो आपको रीजन बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो रीजन तो सबसे पहले निकल के आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टॉक बना प्यारा सा मंथली इनसाइड बार, जिसको मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि इसमें बना मंथली इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न। आप लोग देख सकते हो प्यारा सा यहाँ पर मंथली इनसाइड बार बना है, और जिस वजह से मैं कह रहा हूँ कि स्टॉक को आप नजरों में रखो। अगर ये ब्रेकआउट करता है 1020 के ऊपर तो स्टॉक में बड़ी तेजी आएगी, लेकिन आप स्टॉक को यहीं बाय कर सकते हो 955 रुपये से लेकर 56 रुपये के प्राइस में। मेरी जो बाइंग है उसमें 956 रुपये, अगर आपको याद हो कल का वीडियो, तो मैंने आपको यही प्राइस बोला था और एग्जैक्टली से यहीं 2 बार 3 बार मौका दिया, उसके बाद ऊपर गया, ठीक है। 952 का से लो लगाया। और ये स्टॉक को आप सिर्फ CNC में बाय कर सकते हो, आप MIS नहीं कर सकते, तो मैंने इसको CNC में ही बाय किया है। मेरा जो स्टॉक है, स्टॉप निकल के आता है 920 का है, ठीक है। 920 का मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, 950 की मेरी बाइंग है, 1020 तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर 1020 तोड़ता है तो स्टॉक आपको फिर 1100 तक के भी टारगेट दिखा सकता है, तो आराम से 10 से 15% रिटर्न आ सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो सेटअप है ये अलग सेटअप है, और जो दूसरे स्टॉक में जो पैसा डालता हूँ मैं बड़ा, वो अलग सेटअप है। तो अलग अलग सेटअप्स है जिसमें अलग अलग काम होता है, ठीक है। तो ध्यान से कॉपी मत करना प्लीज़, सोच समझदारी से इन्वेस्ट करना, राइट। इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, समझ आ गया रेमंड आपको क्यों बाय करना। बाकी कितनी डिलीवरी स्टॉक उठाई जा रही है वो देख लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम स्टॉक अच्छा खासा आता है। आपको देखो 94,000 शेयर सेट किए थे, 57,000 डिलीवरी स्टॉक उठाई गई, तो डिलीवरी दोनों स्टॉक अच्छी उठ रही है। एक संकेत मिलता है कि यहाँ स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम तैयार हो रहा है, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जैसे आप सभी को पता है मार्केट अच्छी नेगेटिव थी, और नेगेटिव सेंटीमेंट होने के बावजूद भी ये जो शेयर बजर पेंट्स आपका ITC, ठीक है, आपका ये रेमंड, इनमें एक पॉजिटिव हमें देखने को मिला। अब सोचो ना, मार्केट इतनी वॉलेटाइल थी, ऊपर नीचे हो रही थी, नेगेटिव सेंटीमेंट है सब जगह, लेकिन ये स्टॉक ऊपर क्यों जा रहे हैं, सोचो जरा, आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको, ठीक है। समाप्त करना, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट पक्का करना।